हालांकि उसने कुछ किया नहीं, आज जो पैदा हुआ वो तो बाहर लकड़ियाँ है, बस लकड़ी अगले दुश्मन उसने किया है। अगर नहीं किया होता तो वो एक बात बता, नेपाल का राजा 50 वर्ष राज करता है, वो नेपाल अमेरिका राजा 5 वर्ष का एक धसकी मार दे, कल नेपाल के नक्शे मिटाएंगे। हाँ, तो वो भागता पड़ेगा, कभी चीन की तरफ, कभी रूस की तरफ, कभी हिंदुस्तान की तरफ। तो वो 50 वर्ष का राजा 5 वर्ष के राजा ही डर गया। अगर उसका सटो वो खड़ा होता तो वो 50 वर्ष का राजा बनता वही। सही सही, तो स्तोगुण छोटा है बिल्कुल, वो मनुष्य बन गया, मनुष्य में ज्येष्ठ बन गया, इतने तक का स्तोगुण था। इसलिए जीव को स्तोगुण करना चाहिए, नेक कर्म करने के लिए आए हम। सही, और नेक कर्म करना करना चाहिए, बहुत अच्छा। ये भी नहीं, जो बोला ना सांप तो बड़ा भाई मान रही था, सांप बनया भगवान, पर बोला लोग लठा रमाएगा, बोला फूं फा जो करता रह रहे। तो ऐसा भी मत बनो कि बिल्कुल नरम हो, अपने कर्तव्य पारिंग रहो। कल एक आदमी मैंने बोला, बोला भाई एक माच ले, मैं देख के आया, एक दिन फोन करे मैंने वहाँ माच कोई बड़ सर की दस है बड़। तो उसने बोले आऊँ तड़का माजा पैदन में दे रहा पीछे, बोला भाई पीछे आ देख जोत कर तो देखिए मेरे को तो नहीं भाई पीछे, और अपने जमींदार के साथ तो 20 दिन में दे आ कर। अच्छा, कोई भी ना भी दे देंगे। हाँ, तेरा के विचार है, तेरा के विचार है, तो कर दे। वो तो पीछे पड़ा तो नहीं, तो आइए ना रहे 2 दिन पहला देने की क्षमता हो। सही बात, और की तो आ इज्जत ना ले भाई। तो आदमी अपने अहम पर अगर पक्का नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इज्जत को नहीं। तो आदमी को अपने स्वच्छता पर आर्य थे ना, आर्य 8 प्रकार की स्वच्छता रखते थे, झूठ नहीं बोलते थे, वो स्वच्छता आज भी कायम है अगर हो तो। बिल्कुल, वो सच्चाई पर अभी एक बना, एक बात बताओ, किसी एक मूर्ति में और किसी एक स्थान पर ईश्वर को बांधा जा सकता है? मतलब कौन नहीं, ईश्वर आप कौन होते हैं जो जिसे ब्रह्मांड रची है अपन सोच है ना, ब्रह्मांड चलाओ है, सृष्टि चलाओ है, सृष्टि करता एक है, आप कौन होते हैं जो उसको चलाओ है? सृष्टि करता एक और हम उसकी क्षमता, ये तो सिर्फ, हाँ ये तो सिर्फ हमारा खाने पीने का एक प्रोग्राम है, इसका ये आधार नहीं कि हम सब जीवों को पागल बनाए। बिल्कुल, उस उनको ये कहो ईश्वर तो हर जीव में व्यापक है, आराधना उसका बहाना है। करो भाई, मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दी, सिर्फ एक बात बताओ, शेषा विशेष की धरास, ये पृथ्वी जब उस शेष के आधार पर है, उस ईश्वर के आधार पर है, तो फिर इससे इस पृथ्वी से ईंट पत्थर इसी से बने सब कुछ, और उससे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चलते। तो हमारा मन है इसी धरती में बनाए हैं, हमारा मन है ना, हाँ। एक ईंट भाई ऐसा मस्जिद बना, मंदिर बना या चर्च बनाओ, के में लगा हुआ, हमने कहे ये मंदिर बना दिया, दूसरा कहता है चर्च बना दिया, चर्च, तीसरा कहता है गुरुद्वारा, चौथा कहता है मस्जिद। तो वो तो हमारा मन है ना, कोई इबादत यूं करता है, कोई प्रार्थना यूं करता है, कोई यूं करता है, कोई कोई मत्था टेक के करता है, क्योंकि वो तो हमारा मन है, अपने अपने तरीका है। हाँ, पर है तो मनुष्य ऊपर वाले का है, तो एक ही चीज ना, एक ही चीज अपने शरीर ही से ही है, और फिर हम दूसरे जीवों को तंग करते हैं, ये हमारा काम नहीं। बिल्कुल, अगर हम किसी गाय को मार डालें, अगर हम किसी बकरी को, गलत हत्या करना, को मार डालें, तो ऊपर वाले ने खाने पीने की चीज बहुत देर रखी है, ईश्वर के, हाँ ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। सही बात, उनमें इतना दम नहीं है, दम हमारे उनको रखने में है। अगर वो भैंस वो गाय अगर दूध देती है तो उनकी चीजें खाने में हमारे दम बनेगा, न कि उनके आडो मांस खाने से, मतलब वो तो तुम ऐसा करो बिल्कुल पकाओ उसे, और फिर उसको बोलो भाई 2 लारे लेके आओ, 2 गोटी ले आओ। अच्छा, उनको धरती में गाड़ दो, धरती में तो कहीं से हवा लग भी सकती है,
लेकिन गर्भाशय तो उससे भी गर्म है, क्योंकि जहाँ ये अन्न भोजन जाता है वहाँ हवा जाती नहीं, हवा जाती है हमारी सांस नली सांस है, तो वहाँ तो इतना गर्म है, हीट इतनी है, अगर हमारी आंगली जाए ना तो आंगली भी गल जाए, इसीलिए तो भोजन गलता है वहाँ, कोई उसे गलाने के लिए मशीन नहीं है, इसी उसी गर्मी से गलता अपने आप उत्पन्न होता है। हाँ, जैसे बीज है सख्त, वो उसकी गर्मी से नहीं गलता, नहीं गलता तो बाहर निकलता है। सही, आप भी देखते हैं। सही सही है, सच। तो मशीन होती तो उसे भी काट डालती, मशीन नहीं है गर्मी। हाँ, उद्यान बाजू है गंदगी को बाहर निकलने, गंदगी रुक गई, तेजाब वगैरह जो बनता है वो उसी हिसाब से उसको पिसता है, गल जाता है। हाँ, तो अगर उद्यान बाजू बनाई है जो चलती है, जैसे सिर्फ बार करती है चक्की की तरह, हाँ बार जो करती है बस वो है, वो इतनी देर तक बंद रहती है जितने गलता नहीं, और वो अपने काम की चीज काटेगी अपने आप खुल जाती है। सही सही, अपने आप खुल जाती है, नमूने ऊपर वाले कितने अपने आप खुल जाती है, उसे कहते हैं उद्यान बाजू। उद्यान तो उद्यान बाजू ही काम कर सकती है। तो न्यू ये सब है ना, ये सब है सावधानी, ये सब हिसाब दारे आजकल बुरा मत मानना। सही बात है, मैं जान ब्राह्मण आदमी है। हाँ जी, लेकिन बुरा मत मानना ना, बुरा ब्राह्मण वही लोग होते थे जो मनुष्य मनुष्य के मुख के समान उत्तम व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, पढ़ने पढ़ाने वाले। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल वही हुआ था। हाँ जी हाँ जी, तो आजकल आजकल तो बिजनेस हो गया है। हाँ, एक तिलक लगा के 10-20 रुपये मांग लेंगे, ऐसा हो गया। एक विद्या जानते नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल। एक अगर मैं आपसे ही पूछूं बिल्कुल कि आप 14 विद्या क्या क्या होती बिल्कुल, क्या आपको मन्ने ना मेरा मन पढ़ाई ना और उनमें क्या क्या ज्ञान था बिल्कुल, और वो किन किन ऋषियों को उदापन हुई तो आपको भी बिल्कुल। तो हाँ, जबकि ब्राह्मण का काम ये था विद्या, देखो मनुष्य मनुष्य के मुख के समान उत्तम वेदांत सत्य पुरुष क्रियाक्रम करने कराने और पढ़ने पढ़ाने वाले होते थे। अरे वो पढ़ाने वाले तो बात जब होगी जब खुद पढ़ता हुआ, आप तो गुरखा दूरन का गुरु की ताड़ा कर दो, ऐसा तो संभव नहीं। तो जब 14 विद्याओं को नहीं जानते तो हमें पता भी किस चीज का, जिस धर्म में पैदा हुए हम उन विद्याओं को हम जानते नहीं तो क्या है। कई ब्राह्मणों से हम पूछते, बहुत बड़े बड़े ब्राह्मणों से, बहुत जिन्होंने वेद शास्त्र पढ़े होंगे उनके मालूम है, साधारण किसी को पता नहीं। आपने भी बहुत सारे इतने उम्र गुजारे हैं उस विषय में, मेरी बात उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है जिन्होंने सिर्फ वेद या शास्त्र पढ़े, ज्ञान उन्हें जो इनके अंदर घुस ही गया कि ये 14 विद्या देखनी है क्या। हाँ, जो अपने रुचि से सीखे इतना मछली की आँख में अगर निशाना नहीं होगा तो चूक जाएगा, पक्की बात। इसलिए जो है पहले वो बताते हैं लोग, चार वेद चार उपवेद और छह निषेध भगत, उनमें अलग अलग प्रकार से ज्ञान थे। जैसे श्याम वेद उपासना का वेद था, यजुर्वेद यज्ञों का वेद था, अथर्व वेद से पाणिनि पंतंजलि ने व्याकरण आदि निकाली, व्याकरण आदि का वेद था, ऋग वेद सारे जीवों की रीढ़ की हड्डी थी। हेलो, सारे जीवों की रीढ़ की हड्डी थी। सही बात, जो स्तोगुण तमोगुण और रजोगुण नित परनित और अनंत ज्ञानों द्वारा निर्धारित थी। अच्छा, फिर थी कौमुदी सारस्वत व्याकरण और मीमांसा, ये उपवेद थे। हाँ जी, ये इनमें कौमुदी में ये था, जैसे कठपुतली नहीं पहले बनाते थे, कठपुतली आदि का गहन अध्ययन किया, जो CID भी लेके आती थी राजाओं से, राजाओं के ऐसी थी बात, लेकिन उन्हें सौदा जाता था। अच्छा अच्छा, होती तो थी वो लकड़ी की। हाँ जी, लेकिन उन्हें सौदा जाता था। आजकल कठपुतली का कोई खेल देखा है? देखा कुंड, पहले बहुत पहले बहुत थे आपके टाइम में तो बहुत थे, उससे पहले और भी ज्यादा था। हाँ, तो वो CID ले करते थे। हाँ, अच्छा, हर गांव में जाकर पता लगा देती थी वो कठपुतली, ये बता देती थी जाके कि ये बात, ये रहो CCTV कैमरा खाओ ये बात। अच्छा, फिर शाश्वत थी, शाश्वत थी सारस्वत, स
शाश्वत एक का ये काम था, जैसे एक कच्ची कुकड़ी ली, ऊपर बगा दी और उसके सहारे चढ़ गया, चढ़ के ऊपर युद्ध किया, सारा शरीर आ पड़ा, उसके बाद खुद भी आ गया शरीर और शरीर को लोगों ने जला दिया। तो ये थी शाश्वत, इतना ज्ञान था उसमें। जैसे आजकल कहते हैं ना काली काली महाकाली कलकत्ते वाली जागी ब्रह्मा जी पृथ्वी, पहले होता था भूति माता भूतेश्वरी, भूति माता पन्नेश्वरी, भूति चंद्री, या फिर जैसे अपने अभी आजकल के मंत्र है ओम सुनो देवी अविष्ट आप थे, ये भी अगर सिद्ध किया जाए ये भी थी। तो हमारा कहने का अर्थात ये है पहले इस प्रकार से बिल्कुल, फिर व्याकरण थी, व्याकरण पांच अणु का, पांच जड़ अणु का एक अणु, पांच अणु की वायु, पांच वायु का जल, पांच जल की ये धारा, धीरे धीरे से बनाते जाओ पूरा भूगोल बन जाए। तो इस प्रकार से व्याकरण धारा थी। फिर उसको सस्ता करने के लिए मीमांसा बनाया कि भाई थोड़ा सस्ता, तो उससे सस्ती नहीं हुई। फिर वात्स्यायन मुनि वात्स्यायन मुनि ने सूत्र बनाए जो निषेधों में आते हैं, उन्होंने सूत्र बनाए। फिर उपनिषद बनाई जो छांदो उपनिषद यागवल के ऋषि ने बनाई और अत्रेय ऋषि ने बनाई शब्दार्थ उपनिषद। आजकल उपनिषदों और रामानुज उपनिषद विष्णु सब चीज के बनला गए, वो सारी डला दी ब्लक के होगी ब्लक गलत मिक्स कर दिए, वो बनाते हैं। पहले दो ही उपनिषद होते थे, छांदो उपनिषद और शब्दार्थ। फिर मनुष्य में उसमें क्या था, कोष मूल तोल और तीन वर्ण बनाए थे। फिर तीन वर्ण काम कौन चल गया, चार वर्ण बना दिए। पहला वर्ण था ब्राह्मण, जो मनुष्य मनुष्य के मुख के समान उत्तम व्यक्ति सत्य पुरुष क्रियाक्रम करने कराने पढ़ने पढ़ाने। दूसरा क्षत्रिय, जो जैसे गिरते समय हाथ चोट लगते समय जिस प्रकार गरीब और ऐसा ही लोगों की समाज में रक्षा करे, आई हुई आपत्ति के समय सीमाओं पर अड़ी क्षेत्र, उसे वैसे कहते थे जो मुख से समान ले ज्ञानेन्द्रिय इंद्रियों फैलाए, बाकी बचाव माल दूसरे राज्यों में दे ना, बाकी बचाव माल मलमूत्र के तौर पर निकाल दे, यानी दूसरे राज्यों से समान ले अपने राज्य में विस्तारित करे, बाकी बचाव माल दूसरे राज्यों में दे, उसे वैसे क्षेत्र। फिर और रह गया भाई अड़िंगा, कोई किसी बहु बेटी तक है, कोई चोरी करे, कोई बिना बात की झूठ बोले, कोई डकैती आदि मारे, कोई भाई शराब आदि व्यक्त चीजें पिए, कोई मांस मिट्टी, तो भले ही न की गया। शून्य का अर्थ होता शुद्र, यानी क्या है योगा को उसे शुद्र बनाया, शुद्र। हाँ, शुद्र अगर ये चीज छोड़ देता था तो शुद्र ब्राह्मण होने सकता था, और ब्राह्मण शुद्र जाति नाम था, ऐसा था ये बात है। बढ़िया काम करता हूँ बाढ़, और उसने भी आदमी कि मैं सह भाई बढ़िया काम। मारे मंदिर में पूजा होती, अच्छा, तो वो कम से कम छः महीने से, छः सात महीने से वो बच्चे समारा के एक जोगी के गले मिल के आरती करते। अच्छा, तो रोटड़ा ला दिया एक गुगल दिन, तो एक पंडित जी ने बोला मैं यार अर दस बार खा गया, कम से कम दस बार, और उनने गया था खा गया। तो जोगी का वो था, उन्होंने बोले आरती उच्च मार के तन दे दी, आरती खाया धोक मरा लिया भाई गंगा जी की, जो कहना है गुरु गोरखनाथ की आरती भी धोक मरा लिया। अच्छा। तो एक पंडित जी नाट गया जो दस बार खा गया था, वो बोला भाई के धोक, उन्होंने धोक खोल ली। दूसरा पंडित जी ने बोला के कर धोक तो ले ले, अरे बाबा ही है, बोला मेरा समार का दो मरा और आंगल दो, सारे इकट्ठे हो गए। वो जो गीगन कर दिए इकट्ठे, उसे जाने कर की कर था काम, तो बोला भाई हम तो चले भाई, और एक प्रधान बना रखा था पंडित जी, बोला भाई पंडित जी बात सुन लिया हम चले भाई, है क्या था चंदा नहीं कराया, हो तेरे राज नहीं ठाक ले आए हो, सफाई नहीं करी हो,
तेरा माल नहीं दसा और लोग जमाए नहीं हो तो त्री बेबे फिर भी दायत पा रहेगी बोला हम चाले भाई बोला कौन कथाया भाई बोला वो मुरारी कथा बोला वो भाई उरा क्या मुरारा तुम कदे द्वारा और कदे ना शीर का होगा मंदिर लेकिन बकवास करने की जरूरत नहीं और आरती करेगा देश तो भगवान सारे शीर का एक का है बेकार की बात किसी एक मूर्ति में और किसी एक स्थान पर ईश्वर को बांधा जा सकता है तो मन की धारणा है कोई मनाओ हम कौन होते भी हाँ भगवान बेकार की बात कोई सा दबर का उसने ना नहीं था एक और कर रहा है बुरा ही नौका था भाई बोला समारा के द्वारा बोला आती और मन उसका बेरा था मटे का जो गिनता कहे घर तो मांग के लिया कह जाती है तो मांग के लिया ताम करता है ताम करता है आटा ले आ पहले हाँ मन तो गया के पीछे थे बेहतर 1,00,000 रुपये थोड़ा बम्बई रहा था वो बैठे वो और वो गुजर गया अच्छा एक बनी लस्सी था वो गुडान बिक गए 2 करोड़ रुपये दो तो उसका सीर था दावे 1 करोड़ रुपया है तो किने रसोई दे दी गई 72,00,000 आपने ले ली 2-3 गाड़ी गुड्डी ले रहे माची माची बात कर माँ भूल गया क्यों बात मैं क्यों डर लाया था मैं तो सैनिक सियाणा मान मुँह पक गया जब लड़ रहे नहीं कहते और कहते जी इतना माँ भूल गया कि उस दिन कौन से मैं टेक जो भी चून ले आ गए चुलाई लेकिन वो कह देता लिया करता तने जात थोड़ी देखनी थी पेट देखना भोजन अन्न देखनी 10 अमेर ले आंदा है इसे मंदिर में 10,000 रुपये चढ़ा दे आज तक न बुला लिया आया पिंड जी 10,000 रुपये था तू जुम्मा कौन है चुमार का है कभी कौन का अब तो बोलेगा जयकार बोलेगा जयकार दा दो दो दे दे तेरे ते लफाफे लाडू आगे ले भाई ओह कह धन्यवाद जी आपका बुलाओ आपका बुलाओ हर बोले उन मत है के करे तोड़ की आधा आधा खा ले जब भी कौन नाटक हो भगवान पर इसका झूठा कद कहेगा गरीब की दौड़ी का डर बिल्कुल सही बात यह संसार से अब मरा तो कड़े पैदा हुआ बोला जैसे सदगुण करेंगे हम बोला जैसे सदगुण करेंगे हम वैसा एक माहौल होगा उसमें माँ बाप भी होंगे भाई बहन भी लेने वाले देने वाले सब होंगे मगर अपना कोई नहीं होगा स्वार्थ के बगैर दोस्ती नहीं हो सकती थे तुम ईश्वर से याचना करो वो भी स्वार्थ भगवान ने भी कौन मानना मानस जय स्वार्थ नहीं हो तो बिल्कुल कद को दुख तकलीफ हो जाए तो याद कर विशेष रूप से चाहे पार होने का हो भाई भगवान मन पार करिए बाबा बन रहा हूँ वो भी उसने न्यू मानेगा तो भाई भगवान मेरा पार ऊपर होगा भी जाएगा बिल्कुल तो भाई स्वार्थ के बगैर दोस्ती नहीं हो सकती थे तो ईश्वर से याचना करो वो भी मन है सही बात तो फिर सब जो मेरे स्वार्थ का है तो फिर वो क्या करा ये खट्टर बढ़ जाना है ये सारा हरियाणा ये बावना बुला लिया और इसकी जगह जगन्नाथ समारोह होता वो सारा हरियाणा ये बावना बुला ले और एक पिंड एक पिंड एक चमार ने बैठा देना जमा टाला कौन करें बम और चमारे जमानिए होंगे जमा नहीं करें टाला और सारे नुगद एक एक पगड़ी हर 11,000 रुपये जो मानू वो घरा सुत्या हो रहा वो भी कोई एक आधा बेचक तो जो बहुत बहुते नियम कर्म कर्म का मानने वाला और जमा कट्टरपंथी ब्राह्मण है जो जाति ने मानना ही मानना बहुत कम पाऊंगा जाति ने मानना ही मानना बहुत ही कम पाऊंगा हजारों में एक दिन मिलना मुश्किल है मतलब जाति ने मानना ही मानना चाहे किन्ने हो जाओ उसने नुए नहीं दे रहा भाई जात न्यायी कोई बात भी हो यानी ईश्वर सब माया और सब जीव एक जैसे उसे पता नहीं होता एक अकड़ बात है वो तो बेसकना सब आऊंगे अरे कह रहा
ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਖਾ ਲਿਓ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਜਿਆਦਾ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਦ ਕਰ ਸਹੀ ਬਾਤ ਪੂਰੇ ਇਹ ਦੇਲੇ ਚਕਟ ਲੈਣ ਕੇ ਮਾਰੇ ਖੇਤ ਸਮਾਰ ਖੇਤ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਓਗੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਗਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਲਿਓ ਜਬ ਉਹ ਜਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਭ ਪੈ ਧੰਦਾ ਧੰਦਾ सब स्वार्थ के जीने बोले ना माया माया जाल बोलते ना वही तो माया जाल बोलते ना माया जाल जाल माया जाल नहीं है लोग ये मन है मन हाँ बाड़े को सांप जानता हो अच्छा जीव नुका दावा नाम आ रहा है इसमें अच्छा लेकिन मन माया भी है नुका मार ने आगे और न से दगा अच्छा अब तेरे से कराएगा इसीलिए तो हर जीव चाहे वो सूर्य भी क्यों ना हो सूर्य वो भी क्यों ना हो वो शरीर में कैद है कि और मन के द्वारा किए हुए कर्मों का फल पाता है ये जो काम करना रहेगा वो चढ़ते काम काट दिए ये किए हुए कर्म हैं जो भुगतने पड़े रोजाना कदे कदे किन्ने सब शरीर में कैद है कोई भी इच्छा जीव जो शरीरधारी जीव है वो कदापि ईश्वर नहीं हो सकता ईश्वर तो वो है जो जड़ चेतन में व्यापक होगी पेड़ में भी वही छोटे छोटे कीटाणु में भी वही सत्य सत्य वो तो लोग तो आजकल बावड़े पर तो है कोई बाबा ने बच्चे कोई किन में पूछे बोले उतने गुरु माने हैं सब कुछ उसको माना है बाबा हुआ करें कई सारे हैं कितने सारे हैं लाखों करोड़ों भक्त होते हैं पागल हो रहा है कह भाई सब कुछ मेरा यो है है ये कुछ रामबल था जैसे कितने बेवकूफ अरे गुरु तो तीन होते हैं हमारे बेटों में लगा प्रथम गुरु माते द्वितीय गुरु पिता तृतीय गुरु सप्तम है सप्तम पुत्र में भवन अच्छा पहला गुरु माँ माँ जो छोटा बड़ा अच्छा बुरा रूप से नीचे बोध कराएगी अगर वो नहीं कराएगी ना तो सारी जिंदगी बेटा जो पावर आड़ फौज में ला गया कर्नल गशिया में हो जाएगा नोवा कर्नल के लिए वो डिस्चार्ज कर देगा घर आती है काम में रोज लड़ाई रखेगा माँ बाप ने तो किन्ने वर्षों से लाख मारा है क्योंकि उसमें ज्ञान तो नहीं मिला ना छोटा बड़ा अच्छा बुरा बोझ नहीं कराया अब वो भी जाएगा अच्छा जितने गुरु पिता जो धर्मयुक्त बातें सिखाए जैसे गांव दराज से दो अगर वो अपने बच्चों को छोड़ गए तो बच्चा ने किलो उठा ले जाए बच्चा ने छोड़ गए तो ऐसी ऐसा तृतीय गुरु भी ऐसा हो जो अपने शिष्य में अपना शिष्य यानी शिष्य नाम होगा गलत मेरा लेकिन वो कल गुरु देख रहे हैं वो के करेगा आपका जानता हुआ था लंगवाड़ा अच्छा सबको उठा रहा होकर हाँ तेरे काकन आप चाबी दिखा रहा ऊपर लमन तक और तब लमन तक जरा तब लमन तक करा के भाई भी काम करने का अरे एक बड़ी आदमी आगे जाता हो माँ तेरा ताऊ है ओला का कर लेगी लेकिन रोक जाएगी गेट गया था गेट की बूस काट ले गया ना हो गया बाबू बेटा पेट की रोटी खाते हो माँ दो पहले माँ बाप बहुत समझ के बात किया करते लेकिन आजकल भी हाँ ऐसे हो रहा है वो क्यों कही वो क्यों कह रहा माँ आप गरीब रहेगी मेरा काका क्योंकि आजकल तो तनखी पड़ रही है आप गरीब रहेगी मेरा काका ताऊ तो सब उगा रहे हैं रे ना तुझे तेरा बाप से ना बोला मुहा रो हंसेगा जो तेरी दादी दादा ने करा के कह रहे थे और वो भाई सारा माल उठेंगे वो दादा भी बोला और वो दादी भी बोली हुई सारा माल उठी देंगे और वो काके ताऊ भी बोले वो बाबू भी सन है आओ अपनी और आम दिन होगा माँ मेरा बाप ने देखना चाहिए मैं इसकी छत पार के खाया
फिर उसका वो बाल लाते माँ माँ अरे बेटा तू भी माँ तेरी भोटी मेरी छाती में है तो तेरा बाप ने बिगड़ा दिया कोई दिया है काम 150 औरतों में से जाएगी स्कूल में डेढ़ डेढ़ मास्टर मारा इतनी जमीन आवे इतना इसका बाप कमाओ 15 में बैठा बैठा इतने रुपये कमा के ले आ लाए तेरा लटा की छाँट कर जाए मारा दो रात ले ला जाए बोलू सोचा भाई वो तो थोड़ा है काम वाली दिया तो कुछ और बड़ा आदमी आ गया ठीक है मारा आप पढ़ा दे यानी पहले लड़ाई करू वो है खराब दूसरा गुरु बनन नहीं दिया तीसरा गुरु खत्म कर दिया कौन है क्या पता तेनू कहने बालक खराब बालक पता की करेगा तू तो पता की करेगा बप्पल विद्याओं का एक जना बोलिया फौज में दा दा बोलिया अपने किमें की कौन गया तू तो अच्छा घट है तुम्हें जी ले जावा ना ना ठीक हो उसने वहाँ जा रही थी कि जब उसने देखा 500 के लोग ही है पुलिस आसू के साथ पे क्या ना कौन पाल रखे अच्छा वो देखा कि नहीं उसकी बोली नहीं बाहर निकली है वो बोला ले मार दो जहाँ बोला चांद तेरे पे न्यू को कर बोला अब बेरा आ गया और फौज का तो इधर काम हो गया बेरा आ गया तो जाना होगा हाँ बिल्कुल तो उसने रोज चगाएगी और अपना एक दुकानदार गला पतराई ने उड़ बेच चेक कर अच्छा बोले मैं यू आया हर बात की करांगा वह सारा इन टाइगी और रामपाल के बड़न नोरी और वो बात की थोड़े वो साधन बोले अरे कड़क ही रहा बात है देखी के वहाँ मेरा बाबा एक आदमी तो रामपाल का तो जाग रहा बेरा को तो पढ़ती पढ़ती चाहिए अकेले रही अगले बच्चे इतना तरीबे थोड़ा लोग सही हो बेटी को गाने को बरखत नहीं मैं तो छटा को नहीं बुआगी रहती अब उन्हें 5 किलो पाल आ रही मैं अमरीश सास हूँ उन्हें ना बोल मैं मना आई ना नहीं बेटी को तो तेरी ने सारा माल तो मेरा पाल कर दे दिया बताओ बताओ वो करूँ करूँ क्या करेगा जब सारा क्या ये करूँ बोला अरे गुरु वही होते हैं नो बोला यो शरीर बेल जिसकी करु अमृत की खान शीश देख गुरु मिले फिर भी कम थी गुरु गुरु बहुत नेक की चीज़ें बनते हैं और शिष्य भी बहुत शिष्य भी नेकता से हो तो बाबा बोले बोला भाई मेरा बाबा चिल्ले बना लिया भाई चेले ना बनाओ चेले आपसे बने हुए मेरे चेले हो क्योंकि मेरे जमाई हो चेले हो रही हो मेरा ना बाबा अपना चेले बना मेरा बना जाए भाई है ये 3 जानवर हैं कि इसी जगह मार के जाओ जगह कोई नहीं देखता हूँ दो तो बड़ी द्वार में बड़े कर दिया काम बना रहा कोई बोले बोले बाबा ने भी सोच ली वहाँ तेरी तोड़ेंगे ना बच्ची तोड़ा एक था वो उल्टा ही गया मैं बोला बाबा यार तो उल्टा लिया है अच्छा और पापा काम खराब हो गया तो चया दे रहे हम बड़े बोला वो फूफा देख रहे वो नहीं करता टाला मैं बोला भाई तुम दो तो जाओ अपने घर फिर बुलाऊंगा तब अच्छा अब तो नहीं कर भाई तो मेरा चेला पक्का तो चेला भी परखण आर हो कम से कम सही बात है परख के बनाना चाहिए इसी तो बनाने से कि इधर कल के हो चालन दरिशी का चेला खाता नहीं पाई अच्छा अपना टाइम पास करना रो तक हाँ हाँ बिल्कुल कहीं जमा की करना और मजा आ पानी पारी दरिशी चालन दरिशी का चेला और मत्स्यनाथ का था गुरु गोविंद पानी पा आ गया मत्स्यनाथ नाथ के देव उसने अलग जगह उसने मत्स्यनाथ सहना बहुत था बहुत विद्वान और समझदार था उन्होंने बोला भाई कहानी बात तो तुम मारे यहाँ रुको मेरे गुरु का हुक्म है जहाँ गांव दराज से भोजन भोजन भी
एकत्रित किया और गांव दराज से दो कोस दूर पर जहाँ कोई आदमी ना हो वहाँ एक अगर होकर और भोजन करा सकते तो तभी बिना बाहर पड़े। अच्छा तो चलते गोरख को भी भेज दिया महाराज को भी जाओ तो गोरख ने शक्ति मिल गई। एक बाबा प्राण सारी जिंदगी वो के गए है लक्ष्मी तो बोला मानस जन्म यू नहीं बनता सिर्फ ईश्वर के बल ईश्वर के गुण गाने से प्रिय के बल जीव चला जा दसवा द्वार घोर गए। मतलब जो लोग अपने मन सच्चे से सब जीवों पर मन अस्वार है मन पर अस्वार है वो बिरला तब तक पाठ नहीं होती। तो ऐसा कोई महात्मा था जो बहुत शक्ति एकाग्री की हुई और प्राण छोड़ना चाहो था और प्राण उसकी इच्छा ही थी भाई जब इतना बड़ा था तो थोड़ा दो यक्ष थे जैसे यक्ष दो यक्ष बैठे थे वो उसकी शक्ति ले राक्षस था राक्षस थे वो उसकी शक्ति ले और गोरख कहाँ का सूप देखा उसने देखा हाँ जो आ गया पर मगर देख दिए उसने बात दी उसने कब थी तकलीर प्राण त्यागी सारी शक्ति उसने दे गया और प्राण जागता जागता नहीं बोला भाई नू कह दिया अलग निरंतर वो गुरु गोरखनाथ पद झटकी एक झटकण है वो डर यूँ कह दिया बेटी जो चाहकर पत्थर छाया बनेगी गोरख नजदीक की मिले गोरख 12 साल तक घूमते रहे मत्स्यनाथ को हनुमान राधिका थी एक राजा की लड़की उसने एक नाथ बाबा में हासी कर ली बढ़िया वे गे मार ना ज्ञान तो बाबा ने बताया कहा बेटी किसी की भी हासी करना अच्छा नहीं है वो मानी नहीं तो जहाँ उत्तरीय देश में जहाँ मनुष्य दिखाई ना पड़े तो शराब दे दिया भाई बाबा बदौर तो किन शराब पे आ गए उत्तरीय देश में चली गई कम रक्षा कर कामाक्षा माँ की तपस्या करने के बाद कामाक्षा ने बताया भाई सर्वदेश पुरुष की तपस्या करो जिससे तुम्हारा संतान उत्पन्न होगी और यहाँ के आदमी का उद्धार होगा। तो सारी बोली बोला बाबा हनुमान की करो बाबा हनुमान की करी तो प्रकट हो गया तो बोला भाई मैं तुम अंदर ले दूँगा वो चला गया मत्स्यनाथ को। अच्छा मत्स्यनाथ ने ले आए गए उत्तरीय देश में ब्याह हो गया तो फिर कहना है पड़ा क्या बने वो बोला पाप ना करें आप बोला मैं पाप को नहीं कहा बोला और बोला तो अपना वचन बदो वचन भरवाए थे तीन बोला बचना इटाला कर दे भी बोला बचना इटाला तो कौन हो तो बात ही आई है बात गलत है तेरी। अच्छा चलो देखी जाए जो भी बनेगी भाई तो भूतनी पड़ेगी सही बात तो उसको भाई महेंद्रनाथ और लखनाथ जो थोड़े कहानी पर गया था कहानी पर बोला भाई आड़े तो भोजन लेना बहुत पाप है इसके तो एक पल और सन्मय हमारा हजारों वर्ष का राजनीत होता है महात्मा हो गए हरियो आड़ बोला इतना गिर गया महात्मा हो गए तरिया हो गए चंद्रमा आ गया क्योंकि सारी संसार का विजेता एक युवा और सुंदर और से बात खा सकता है बस के वो हार्ड मास नहीं होगा एक बड़ा सुतरा है सब कुछ को सबसे बड़ा फर्क है होता तो गिर गया ऐसा भी कर ले हजारों मच्छर एक आठ आठ नौ लुवाई
तब गया वो जब गया तो भाई गुरु शिष्य भी ईशा तो हो जो उत्तमता का सर हो तू जालंधर पर जानदा दादा मूठ मार गया जिदी लागी थी बोला तो ईशा बड़ा हर माच रहा तो बोला तो तेरे गुरु ने लिया बोला मेरे गुरु ने पला लिया हुआ बोला जब तेरे गुरु ने पला लिया हुआ ना तो रोड पला हुआ मैं और मेरे गुरु ने मैं पला काट लूँगा ना तो रोड लाना पड़ा था वो लोग था वो जाना लीड बगाया गया जब चुकी थी लहरा चुकी जो आड़े से ही आओ आड़े कर रहा हूँ चलो फिर मैंने यो उसने लिया यो पसंद ने लिया और लिख लिया नहीं बोला यो जगह हो गया भाई अभी तो रोज की रोज पता है बोला कौन पता है रोडना ला मैं रोडना ला जाए जब यार टीटी बनाई का नारी टीटी कल बनाई दिया चलो भाई दुनिया में बहुत कुछ सही की बात जिन बंदे ने मन मारे वो ही करा दे पाए सही हाँ वो मन पर है सही अच्छा सही बात मच्छर वो हाथी वो भाई मानव भी बन गया वो जानवर भी बन गया वो पेड़ भी बन गया अच्छे बने पूरे सब पेड़ भी बन गया हाँ पेड़ भी मन मन खंजा ना बन गया फलदार नहीं बने तो करनी का बहुत बड़ा घोड़ा फिर बाकी को तस्वीर बन कर्म से रहिए कर्म से कर्म से रहिए कर्म से राजा कर्म से पाइप तंपा मंदस इन्हें बताने देगा आराम ना बताने के लिए बहुत अच्छा बंदा आपने इतना ज्ञान है बहुत अच्छा कौन से काम है अपना आपका महाराज तालू बनाना हो ना तालू बनाना तो क्या करा इतना मंदस कौन बता आपने पूछी कर चौदह विद्याएं क्या हो किसी ब्राह्मण ने पूछ लेना किन किन ऋषियों को पावेगा पावेगा जो पूजा पाठ करके चल रहे हैं उनते वीरा को नहीं उनते को तो आपने तो बहुत मतलब पढ़ाई की अपने क्रिकेट के क्लास से पढ़ाई की पढ़ाई है कौन करी अपन पढ़ लेंगे तो फिर भी आपके ज्ञान की तो सलाम पढ़ लेंगे तो और बढ़िया सही बहुत बढ़िया सही में क्यों आपके दिमाग में मतलब लक्ष्मी इतने लक्ष्मी पढ़िया है गुरु की दया तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा अरे ये काम कौन से इधर ऐसा अरे के अपन ना वे चल जावा ये तो तब जाओ काम किस साइड है अपनी उस साइड है अच्छा अच्छा वो एक पिंड जी पर पूछ पे क्या मैं अरे यार राजस्थान में हूँ वहाँ से बहुत मां कपड़े इतने रहे तोड़ता मैं पिंड जी ये परमात्मा कहाँ रहते इसी सवाल पूछ दिया बोला भाई बैठा हूँ पास तेरे सुन रहा हर बाणी को उसने पूरा बदन गाया हाँ हाँ गाणी था अच्छा गाणी था मन ने भी सोची और मामा बताए बाहर मन बड़ा खूब रहा हाँ सही सही माननी पड़ी बैठ गया हम हाँ एक मुसलमान हेलो एक मुसलमान मेरे जाकर
जमीन है ना बॉर्डर हम भी बैठ गए भाई बैठ गए फिर माल आ गया बता वो पिंड भी मेरा मुंह खाने ज्ञान मामा के ज्ञान बताऊं यादव तारी बात थोड़ी बहुत रलद खुलद की है ना वाह बोला रलद खुलद की गारो नीलम खसिया दास लड़ी कबीले ब्राह्मण वो थे जो मनुष्य मनुष्य के मुख्य समान उत्तम वेदार्थ सत्य पुरुष क्रियाक्रम करने कराने और पढ़ने कराने मार्गदर्शन दिया करते थे सत्कर्म वो लोग क्षत्रिय हुआ करते जैसे गिरते समय हाथ चोट लगते उसके बाद एक दिन एक ठाकर बैठा था कल उसकी बहू भी थी वकील का बैठा था वो मैं अच्छा मैं बोला भाई ठाकर साहब क्या हाल है भाई ठाकर साहब मन तो मेरा हम बोला रात कुत्ता मार अच्छा मारिया दवा बोली बात बोला कुकर बोली बाकी को ठाकर वाली बात है वह भी ठीक है और राजपूत वाली जमा मैडी बोले और माँ क्षत्रिय वाली है सारी आओ बोले अनु कुकर और अक्षत्रिय में मातो भी मैं दोनों रहा बोले वह कुकर माँ ठगाए गए हूँ तो ये ठाकर और जो दारी दंडिया गल्ला आया कर देना मगर रानी का गल्ला जो दारी दंडिया आ गई थी वो राजपूत थी राजपूत राजपूत कुंती राजपूत का अक्षत्रिय वो थे जो राजाओं से उत्पन्न होते और असल अक्षत्रिय कहते थे बोला जैसे गिरते समय हाथ चोट लगते समय बाजू जिस प्रकार गरीब और ऐसा है लोगों की समाज में रक्षा करे आई हुई आपत्ति के समय सीमाओं पर अड़ी में रहे उसके अक्षत्रिय कहते उसमें मैं तो दोनों लड़की भाई तू भी सीमा पर रह सके मैं भी रह सकता हूँ ब्राह्मण भी कोई रह सके और भी कोई वो तो क्षत्रिय का काम करेगा वही एक क्षत्रिय है बिल्कुल हर रही बात वैसे आजकल सारे घने व्यापार यानी मनुष्य के मुख्य के समान जैसे मुख्य के समान लिया ज्ञानेन्द्रिय इंद्रियों में फैला बाकी बताओ मान मन मुच्छर के तौर पर जाते यानी दूसरे राज्यों से सामान लाए अपने राज्य में विस्तारित किया बाकी बचा माल दूसरे राज्य में भेज दिया उसे वैसे वैसे बार कलकत्ता चला गया और कलकत्ता से ले आया ये खजूर आ रहा है कि नमंडिया विस्तारित कर दिया तो मैं वैसे हुआ मेरी जाएगी तो हिम्मत आया वही मुझे वैसे कहते तू तो शेषा विशेष की तरह आसी ये पृथ्वी उस शेष के आधार पर और हम इस पृथ्वी के आधार पर ये उस शेष यानी उस ईश्वर के आधार पर है तो मैं किसी चीज़ से पढ़ सके न पढ़ सके पाप और पुण्य न गिरे न गरज सको रोके दो न गरज से बाहर आ सके और हम इसके आधार पर क्यों कि अगर हम वायु न पिए जो लोग एवरेस्ट पर जाते हैं उनको तो वायु नहीं मिलती सिलेंडर ले लेगा आड़ा वायु जीव जीव बनाता है आड़ा ज़्यादा वायु तो जो वायु न किए जल न किए हम न खाएं कल मूल और फल फूल न खाएं यहाँ की वस्तु यहाँ मिली कौन सी बात तो भाई ये तो संसार है लक्ष्मी बड़ा सियाना था तो बोला मेले के महाम आए भाई हवा खान में कुछ तो आगे चले गए कुछ हो गए चार जान अरे वो मेला है भाई कोई तो सीधी जो हमारे वो तो एक बात बता मैंने मैंने एक जना बोला बाबा मरा तो खड़ा पैसा माँ भाई जैसे सदगुण करेंगे हम वैसा एक माहौल होगा उसमें माँ बाप भी होंगे भाई बहन भी लेने वाले देने वाले सब होंगे लेकिन अपना कोई नहीं होगा क्योंकि स्वार्थ के बगैर दोस्ती नहीं हो सकती तो ईश्वर से यात्रा करो वो भी तो भाई फिर वह भी किएगा जब स्वार्थ बिना दोस्ती नहीं हो
कौन किसका है तो सही है बस वही आप कर्म करना है अपने अपने कर्म करो इस प्रकार से किसी एक मूर्ति में और किसी एक स्थान पर ईश्वर को बांधा नहीं जा सकता किसी एक शरीर में जीव को बांधा नहीं जा सकता हम हर्ष चाहे सूर्य भी हो वो कैद है और मन के द्वारा किए हुए कर्म का फल पाता है तो कुछ क्योंकि यह शरीर पड़ा यहाँ रह जाएगा ये तो पृथ्वी का है हाँ इसका है और किए हुए कर्म भी यहाँ रह जाए और हमारा जीव कहीं और जन्म ले जाए अपने आत्मा कड़ी स्वार्थी होते हैं अच्छा आजकल जयमान मान मारते अंग्रेज लोग कहा करते थे हु हेल्प द मैन मैन हेल्प द गॉड अगर तुम आदमियों की रक्षा करो तुम्हारी रक्षा तो तुम्हारी रक्षा लेकिन आजकल तो भाई मर गया बिना ब्याह बढ़ाया गया फकीर आए कि मैं किले जाऊंगे कड़ा ले जाए हिंदी मोसा किले जगह भी होगी तू भी चले जाएगा और भी दुनिया चली जाएगी कितने आए कितने गए या तो याद आ रहे हैं और गए जो करते थोड़े याद हो गया तो जा को कदे कौन जाओ आप आंटे ले हटा ले हटा ले फिर भी पने समझा दूसरे को मारना लूटना तकलीफ देना है बस इस दलाल बम ला दे बम के बम बम ला हां वो भी तो मर सकता है वो भी मरना ही है उसकी भी कौन सा वो हमेशा रहोगा ऋग वेद में आदित्य ऋषि ने लिखा है कि अगर तुम किसी जीव का हनन करते हो तो उसका भुगतान तुम्हें भोगना पड़ेगा एक तन्ना मुर्गा मार लिया उसने दस एक बरस पाते उसके कीड़े पड़ने हैं ना पाखा बीच में तो वो कीड़े तेरे पाँव में पड़ेंगे या हाथ में पड़ेंगे चाहे तेरे वाह यो वाह के बोले यार तो काखलवाई हो यो तेरे वो बात बनेगी पड़ेगी इसलिए बोले मेक कर्म मतलब कर्म के फल भुगतनी पड़ेगा करने का फल पड़ा भोगना कोई तस्वीर आज ना तो कल सही करनी पड़ेगी जरूर इनमें लकवा मारी है इसका मन तो देख सारी दुनिया मांडा हुआ सारी दुनिया हाँ। फलाने नौकर दिया झगड़न बेटी रो तो मन साफ कर ले तुम्हें तो ठोस था तो कर ले तो तेरा मन ही ठीक नहीं है क्या करें अब दिखावटी करने से क्या अच्छा फिर एक चीज हो ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता अवश्य शायद हो सकता है एक बार ही मिला बिल्कुल और इसी में हम जुनूनदायक काम करें तो कितना बुरा कर रहे हैं कितने जन्मों का हनन कर रहे हैं कितने जन्मों का नुकसान कर रहे हैं बोला 84 जुड़ी बोलते ना 84 जीवन कितने जन्मों तक उस पाप कर्म को भोगना पड़ेगा और ईश्वर ये कहेगा मैंने इतना समझदार जीव बनाया था मनुष्य पार नहीं गिरी पड़िया करनी कर रखी रे बदलेगा बदल ही नहीं सकता कोई भी करनी तो तन करी है और किसको विश्वास में लेगी कि कौन था तेरा अपना जिनका कोई अपना नहीं होता सही बात कोई भी वो सब स्वार्थ एक एमएलए बनया था मारे प्याणी तो प्राण अच्छा एमएलए बनया था रविशंकर नाम अच्छा हरिद्वार बिक गए उसका वो ले गया दो गाड़ी भर के चलो बोला घूम के आओ गांव के लोग हाँ जड़े जहाँ हो रहे नारायण हरी मारा दो बब्बे तप तप कर बोला भाई इसकी जो एम एल ए एम पी भी बने और फिर भी बोला हमने नमन करना पड़ा है और खेती करना पड़ा है बोला भाई एक काम करो क्या
किसी का मन इस तरह बदल भी सके बदल गया वो। जब लोग तो नो चाहो ना कि बड़ा हो जाए रुपए आ जाए नेता गरीब बने कुछ करे इसके लिए कितने रुपए खर्च करे बड़े से होगा क्या हां कोई जो जन्म बड़ी आला मिले है और मानस दे मिली फिर मिलनी नहीं कौन मिली और फिर इसमें भी हम नेक कर्म कर नहीं सके तो कौन सा जन्म मिला जिसमें नेक कर्म करेंगे हम कद करेंगे पशु का जन्म नेक कर्म करने का नहीं कद कौन है वो कोई भी चीज़ पर ला ले तू देख के कर्म नहीं कर सकता तो फिर फायदा क्या इंसान ही ऐसा है नेक कर्म करना वो सारे नेक कर्म एक जना नु बोला एक मुसलमान का अच्छा मैंने कुरान बिबेरिजल और तौर और हदीस को पढ़ा है तो वो नु बोला मैंने बोला भाई पहले तेरे को पता नहीं है वाक्या का पहले बोला पेड़ों से आदमी पैदा होता अच्छा वाक्या न करे भाई बोला खुदा न किए वाक्या का तेरे बोला खुदा देखना चाहता था मेरे अंदर ताकत कितनी है माता ने एक चीज़ का गुण मेरा बोला कि कभी जीव की पुष्टि पढ़ी है उस हदीस में हमारे ऋग्वेद की बात लिखी है उसमें जीवों की पुष्टि पहले स्तोगुण में जीव सिपाही से लेकर राजा तक विदित होते हैं दूसरे स्तोगुण में जीव साधारण जीव मनुष्य बनता है लाल पड़ी जा बीमार नहीं जा वो हंसी जा रोटी खुआई जा और उसका मुंह में रोटी दे जाए और तीसरा जो उत्तम स्तोगुण है सबसे बड़ा जिसे महास्तोगुण कहते हैं वो जीव प्रकृति में विलय हो जाते हैं जैसे वायु बात सूर्य चंद्रमा तारे होते हैं उसमें जीव मन मारा हुआ होता है उसमें जो जीव मन मारा है ना जितना गहन नहीं थोड़ा मन मारा है तो बाबा बुब्बा रहे या 50 साल तो 200-500 वर्ष तक पूजा हो जाएगी और जो जीव अधिकाधिक मन मार जाते हैं वो और बड़े हो जाते हैं और वो वायु बाद यानी प्रकृति में विलय हो जाते और जो फिर बातों को यूँ बता और फिर तमोगुण पहले तमोगुण में बड़े पेड़ बड़े जीव और बड़े पक्षी आदि दूसरे में उससे मरते और तीसरे में उससे छोटे फिर रजोगुण पहले रजोगुण में कीट पतंगे आदि दूसरे में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु और तीसरे में घास फूस आदि ये सारे जीवों की पुष्टि तमोगुणी जीवों का सतोगुणी जीव पैदा होने लगे हम सतोगुणी जीव 1000 पेड़ पाल दें 1000 बच्चों को पाल दें 1000 पशुओं को पाल दें हमें चूतिया बना रहा है एक पेड़ किसी आदमी को पाल सकता है फिर वो जाके यूँ कहेगा मेरा आम खा ले तो नहीं वो पे आके खिलाऊंगा निर्जीव है निर्जीव आदमी उसी आम के दो बच्चा आम बांधिया मत बना मां अगर तेरे को पता नहीं तो ये कह दे कि मेरे को मुसलमानों में एक आदमी मेरा मैं छोड़न ले गया था रोज तक अच्छा हो रहा है चंडीगढ़ अच्छा वो था जम्मू कश्मीर का वो आदमी बहुत बढ़िया था मुसलमान ने धान का था दोनों अंदर था मैंने उससे पूछा तू आप ये बताओ आप आए कहाँ से जाएंगे कहाँ तो बोला माँ के गर्भ से आए धरती में जाएंगे जवाब दिया फिर उसने भी बात शुरू की और मैंने भी
फिर उठ के उसकी बहू ने बुला लिया वो, तो उठ के उसने मेरे से कंफर्म कंफर्म मिला। उसने बोला भाई कभी न कभी हम बुलाएंगे तुम्हें, अरे तेरे जैसे इंसान नहीं रहे दुनिया, इंसानों की कमी नहीं है अभी तो फिलहाल, आदमी की कमी कौन, इंसान की कमी है। इंसान आदमी में इंसानियत कौन होती है, इंसानियत नहीं है, इंसान बहुत है, इंसान बहुत है, इंसान है। बोले भाई ऐसे पुरुष कहाँ छुप गए, अरे सच्चे अच्छे लोगों की तो बस ऊपर है। तो वो कह रहे क्या स्वामी दान है, वो बोला जब त्रिवेष्टक में मनुष्य मात्र उत्पीत हुआ तो 5% लोग सत्य थे और 95% लोगों पर आवरण चढ़ा हुआ था, जिस प्रकार पारस की पथरी के लोहा लगने से सोना बन गया। सही बात, धीरे धीरे आवरण टूटते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा सूर्य पूर्व से निकलेगा, लोग उत्तर से कहेंगे जानकार को विमुख होकर घर चले जाएंगे, ये न कह सकेंगे सूर्य पूर्व से निकलेंगे, तो कहना मुश्किल हो जाएगा अच्छाई को अच्छाई के भाई होगा। पहले ही बता था 150 वर्ष पहले, थोड़े घोड़े होंगे 150 पे पहले 160 वर्ष हो गए। एक तो गर्था बैठ जाएंगे ये बात नहीं पढ़ते, ये बात वो पढ़े जो अनुभव टेलीफोन में हम देखे हैं, ये नीचे ऊपर चुदड़ी बिला लाल लाल डपट्टा फलाना डल रहा, ये बात पढ़े तो वो बात चली गई पुरानी बात कर, तो बोला वो अंग्रेज सियाने थे तो बोला टाइम इज किल विल किल यू, समय को खराब करोगे समय तुम्हें खराब कर देगा। सच्चा है लेकिन आजकल मानते कौन है, आजकल सुने कौन है, लोग आप कुछ अच्छी बात बोलो कोई गंदा काम कर रहा है उल्टा काम भी कर रहा है, आप बोलोगे सुने। मैं बम्बई में मस्जिद बंदर, मैं मस्जिद में एक इमाम थोड़ा चौधरी ट्रांसपोर्ट में वो भी ना आ रहा, मैं अटपट बोल रहा है। अच्छा मैं बोला मियाँ जी एक बात दे 15 मिनट में दे दे। अच्छा भाई तू आधा घंटा होया तू जुबान खराब बताओ फलाना बताओ सारे खराब साफ है, तो 15 मिनट तो दे सके मैंने। अरे बोले क्या होता है तेरे 4 घंटे ले लो, तुम्हारे से कुछ होने वाला नहीं, तो तुम्हारे हिंदुओं में कोई आदमी नहीं है कोई धर्म नहीं है। अच्छा बोले आप बड़ा धर्म तो बहुत बढ़िया है इसीलिए मैं 15 मिनट मांगे हुए बात करा, तो उससे मैंने 15 मिनट बात की, उठ के नहीं बोला अरे भाई तुम जैसे इंसान अगर सब हो तो पता नहीं क्या हो रहे, ये अपना भरम है। आदमी बहुत हैं ऐसे, हम नहीं हैं, हम माँ बताऊँ किसे जहाँ, लेकिन हम इसे आए एक जना तोते पकड़िया करता और भाई वो ला देता दाल, बापन देखा भाई तोते आके करे बच्चे यारे के गए यार महाराज 5 रुपया है या तो मना दे, उसने सिखा दिया भाई एक फंदी करा होगा निंद्रा मतलब दाल लानिया और दाने पका होगा और जल्दी उड़ियों ने फंस दिया वो भाई एक भी नदी राख की नदा हूँ बात सीख के वो बाबन हमें उड़ा दी जंगल की आवाज में चले गए सारे तोते हुआ भाई बोलने लगी मेरा भाई फंदी कराओगा और जाल लाओगा भाई दाने पकाओगा देख दिए उठ जाओ उन्हें फंस वो भाई बिन्ने डेढ़ बिन्ने पर वो फंदी कर गया तो देखा भाई बेटी को बाबा से निकल दे दिए तोते
फूफा सारा सारा जंगल यह बात कहे, लेकिन कामदार आदमी को काम करेगा। उसने जाल लाया, दाने बगाए, अरे गोर ने जा बैठा, वो तोते आ गए उसमें बैठ गए। अरे यह बात कहे फंदी कराओगा, जाल लाओगा, दाने दाने बगाओगा, फंस जाओगे। देख उन्होंने जाल खींचा, कड़प घेर लिया, कड़प पड़े पड़े या बात कर बंदी कराओगा, भाई जाल लाओगा, दाने लगाओगा, देखिए तो भाई आप तो हाँ आप गिफ्टिंग करते हैं। कोई बातों का ध्यान नहीं कि हम किस के साथ जा रहे हैं। एक तरह में बुलाए कर बुलाए माइचर लुभाई रख कर भी बने मैं माइले रखा छोड़ पे माँ सारे बने आते भाई आई तो आंगली की एक्सीडेंट लुभाई वो बनी जो पति का कहना मान ले सही बहस वो बली जो भाई ये सारा घर लकड़िया हुआ घरा जाए के ठीक ठाक बेच दिया ट्रेन पर दूध दे सही है। सारी कौन होती फिर सारिया ने बुरी क्यों बताओ सारी कौन होती अरे तो अच्छी हो अरे मानस भी अच्छे कौन होते सही बात सारी चीज खराब है एक खराब के सारे ने कौन बोल सका एक चीज खराब का पर सारे ने वो खराब कौन बोल सका। हमारे वेदों में लिखा है बोला भाई सारी संसार का विजेता एक युवा सुपर मात खा सकता है हाँ बरसते वो हार्ड मास्टर जने को वो बड़ा एक पुतला है सब पूछो वो सबसे बड़ा नरक है हर मनुष्य उसी में खोजना चाहते एक प्रणाली से आदमी भोग करके खुश तो होता होगा मगर जो वीर्य की ताकत है जिससे जीव पार होने की हिम्मत रखता है वो टूट जाता कमजोर हो जाता है। इसलिए प्रणाली से भोग नहीं करना चाहिए ये बात पहले ही वेदों में दर्शाई पहले पहले बात शराब आदि व्यक्ति को जैसे वो कहा गया भाई एक राजा था सात्विक और उसने देखा एक सपना आया बहुत बढ़िया एक किला उसमें चार दवा और वो बहुत बढ़िया दवा हाँ जी वो राजा तड़के घोड़ा पीर की पोछा उड़ा एक कर के बांध के घोड़ा बड़ी दूर हाँ। और अब लेने भर देखा और वो किला आ जाए वो पहले द्वार पर दो जने बैठे थे ने बोला भाई कि मैं सुपा सरपा पी हुए कि मैं फीम फ्याम और कि तो यार शराब पी के भीतर जाना पड़ेगा अच्छा दूसरे द्वार पर गया बोला ले इस के लो वाला कर दूसरा पर चले जावाए दूसरा में बोला मैं मार्च मिट्टी खा के जाना पड़ेगा अच्छा तीसरा में वैश्यावर्ती करके और चौथा में गांव बैठी तो बोला इनके दस दस लोग बाहर के जाए वो बाहर आ गए उन्होंने देखा इतनी बाहर गए काम तो खराब हो गया और इतनी दूर तो आया देखना तो था वो मत हो गया उन विचार बिचूर करके उसने सोच की हाँ। तू बताओ उन्हें क्या करना चाहिए लेखू के लावी वो के करना उसने शराब पी ली भाई अच्छा। शायद तारी सोच पिया है शराब अच्छा। पिया बस दिमाग खराब हो गया मैंने बोला दूसरा द्वार भी देखा है मांस मिट्टी भी खा गया फिर बोला वैश्यावर्ती भी करा है तीसरा द्वार अब फिर बोला गाँव पीस पीस लग मारा इसलिए बुद्धि को विनष्ट करना ने कहा है तो बोले बाकी की तरफ खड़ा ऊपर नीम मंडे हजारों व्यक्त कार्य करते हैं इस दिमाग से ये खराब हो ना कोई खूब कोशिश करा खराब कर खराब पीवा बीड़ी पीवा जितने भी
ਸੀਮ ਖਾ ਕੰਮ ਜਾ ਗਿਆ ਆ ਬੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆਇਓ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਮਦਦ ਫੇਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕੋ ਨਾ ਆੜਾ ਤਾਂ ਪਾ ਕਾਟ ਲੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੇਰੀ ਔਰ ਤੋਂ ਮੰਡੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਮ ਤੋਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਨੀਮ ਮੈਂ ਕਸਕਾ ਜੀ ਤੇ ਮੰਡੇਰੀ ਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਪਰ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਚੱਲੇ